पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने, अगर किसी गवर्नमेंट ने पंजाब के एग्रीकल्चर को फोकस किया तो उसका नाम इमरान खान है। उसी के बारे में बोल ने कहा था, एगाजी ये तेरे पूरी सार बंदे, एगाजी ये तेरे पूरी सार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जो के खुदाई, दोनों ने उनके ठोकर से दरिया सिमट के पहाड़ उनकी हैबत फिराई। उन्होंने स्पीकर मुझे कौन को बताने दीजिए वो इमरान खान था जिसने साउथ पंजाब की पॉपुलेशन को उनके माइंड के मुताबिक हक दिया और पहली बार आज शहबाज साहब और हमने वोट दिया। ये पाकिस्तान के मसाइल में डाका मत डाले, ये कर्जे से हमें बेवकूफी दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। दो हजार 23-24 की बजट स्पीच जो मैंने पढ़ी सुनते ना सका मियां मुश्तबा शजाउर रहमान साहब को, ये बड़ी तारीखी किस्म का बड़ा खूबसूरत बुकलेट शाया किया और बड़ा अच्छा लगा। इसमें अल्लाह के पाक नाम से हम तो सलाह से जिक्र किया, साथ ही सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी लिखा गया, भेजा गया और साथ ही जनाब स्पीकर मेरे मुहतरम मिनिस्टर साहब ने पता नहीं पढ़ा उसको या नहीं पढ़ा, साथ ही स्त्री झूठ से एक सिलसिले का आगाज किया गया। वो बुलेट स्पीच में लिखते हैं कि गुज़श्ता 5 साल का जो पंजाब की बदहाली थी, जो पंजाब की एग्रीकल्चर थी, एजुकेशन की तबाही थी, इन्होंने उस 5 साल में वो जो कोविड के 1.5 साल थे वो भी एक्सक्लूड ना किए, उन्होंने उस 5 साल में हमजा शहबाज के 8 माह भी एक्सक्लूड ना किए, उन्होंने उस 5 साल में मोहसिन नकवी साहब का 1 साल भी शामिल ना किया। हैरानी की बात है तो पंजाब की सबसे बड़ी सूबे की असेंबली में झूठ के बुकलेट शाया की जाएगी। जनाब स्पीकर मुझे बड़ी हैरानी हुई इस वक्त, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 52 एग्रीकल्चर की ऑन गोइंग स्कीम्स है जिन्हें इस बजट में अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। ये बहुत सारे यहां नौजवान हमारे एमपीएस बैठे हुए हैं हमारी इस साइड पर, ये सारी यंग लॉट है पाकिस्तान की, ये भी सुनते होंगे कि एक वजीर आला पर बड़ी तनकीद की जाती है, उस वजीर आला ने 5 साल यहां क्या किया होगा। ठीक है आज वो साम्राज्य के हाथ चढ़ गए हमारे वो वजीर आला, अगर वो हमारे साथ होते तो या होते या किसी जेल में होते या अपना फॉर्म 45-47 लेकर किसी आरओ के पास नतीजे को ठीक करवा रहे होते। मैं गुजारिश करता हूं उस वजीर आला के पीछे एक शख्स था, वो शख्स कौन था आज इस पूरे अवाम को मैं बताना चाहता हूं, वो शख्स कौन था, किसने पाकिस्तान में पंजाब में सबसे पहले 1950 में जो शुगर केन फैक्ट्री कंट्रोल ऑर्डिनेंस बना, 1950 में किसने शुगर केन के फार्मर को वो ऑर्डिनेंस 2020 में चेंज करके दिया, मैं सबको आपको बताऊंगा वो शख्स कौन था। जनाब स्पीकर शुगर केन का फार्मर अपना गन्ना लेकर ट्रॉलियां लेकर 15-15-20-20 दिन शुगर केन फैक्ट्री के बाहर खड़ा रहता था, वो कौन था जिसने सितंबर 2021 में शुगर केन फैक्ट्री कंट्रोल ऑर्डिनेंस को शुगर केन फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट के जरिए असेंबली से पास करवाया और शुगर केन के फार्मर को निजात दी आड़ती से, शुगर मिल्स की माफिया से, वो शख्स वही था जो अडियाला में बैठा हुआ है। कोई शख्स था सब, कौन शख्स था जिसने कोविड में पंजाब में एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम नाफिज किया। मेरे नौजवान दोस्तों आपने हिम्मत नहीं आर्मी, ये बयानिया के जरिए मैं दबाना चाहते हैं, मैं खुद एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूं, पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने, अगर किसी गवर्नमेंट ने पंजाब के एग्रीकल्चर को फोकस किया तो उसका नाम इमरान खान है। उसी के बारे में बोल ने कहा था, एगाजी ये तेरे पूरी सार बंदे, एगाजी ये तेरे पूरी सार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई, दोनों उनकी ठोकर से दरिया सिमट के पहाड़ उनकी हैबत फिराई। उन्होंने स्पीकर आज इन नौजवानों को कोई बताएगा कि जब पंजाब में एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम दिया गया तो क्या किया इमरान खान ने? सर इमरान खान ने 600 अरब रुपए का फंड रखा पंजाब के काश्तकार के लिए, इमरान खान ने पंजाब के काश्तकार को वो स्कीम्स दी पाकिस्तान की तारीख पे पहली बार पंजाब के काश्तकार को सब्सिडी दी गई, सोलर
पैनल्स पर सब्सिडी दी गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी दी गई, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड पर 50% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती थी। आज वो चीज मिनिस्टर हमें छोड़ गए, लेकिन उसके पीछे जो कैद थी वो हरियाणा में है। ये वो वही शख्स है जिसके तस्फ में, जिसके हसद में, जिसकी आग में यह सब उतर है। ये वही शख्स है जिसने कावड़ में पंजाब के काश्तकार को सपोर्ट किया। जनाब स्पीकर, बात तवील इसलिए हो गई, इन्होंने 52 मंसूबे लिखे हैं इसमें ऑन गोइंग स्कीम्स में। मुस्तफा शहजाऊ रहमान साहब की कल बड़ी तारीफ की मेरे दोस्त ने, इनके हुस्न की, खूबसूरती की, वो पूरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या ये बता सकते हैं? और ये पूरा ये ट्रेजर वेंचर का मेरा दोस्त 52 मंसूबों में से कोई 5 मंसूबों में से उठाकर बता दे, इसमें से कोई एक मंसूबा मरियम नवाज साहब ने दिया, मैं इनसे माफी मांगूंगा। ये सब मंसूबे शुरू किए गए, तू तो बाजारे अदावत में भी बड़ा खोटा निकला, तू तो बाजारे अदावत में भी बड़ा खोटा निकला मेरे दुश्मन, तू तो मेरी सोच से भी छोटा निकला। स्पीकर, कौन था वो जिसने पंजाब के 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम को अपग्रेड किया? आज सारा पाकिस्तान एक बयानिया के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को कहा जाता है ये फसादी है, ये लड़ाका है, वही डिलीवर किया है। आप बताएं मुझे 76 साल की हिस्ट्री में, जनाब स्पीकर आप भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, 60% लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, पंजाब की कैश क्रॉप किसके दौर में सबसे बड़ी यील्ड हासिल करने में कामयाब हो चुकी? वो इंशाल्लाह सबके अंदर में बैठा हुआ है। जनाब स्पीकर, आज उस शख्स के मुहम लेने पर पाबंदी है, खुदा की कसम उसने इस कौम के लिए जो कुछ करना था वो अपने हिस्से का काम कर गया। दरिया को अपनी मौज की तुहियानियों से काम, दरिया को अपनी मौज की तुहियानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या तब न रहे। मेरे दोस्तों, आज अगर आप आकर उनकी बातें सुनते हैं तो आपने डिसाइड नहीं होना, मैं ऐसी असेंबली का हिस्सा था, मैंने देखा कोविड में कैसे पंजाब की गवर्नमेंट ने काम किया। जनाब स्पीकर, आप साउथ पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं भी साउथ पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूं। पंजाब की आबादी का 32% पोर्शन मेरा सहेकी नसेब, मेरी मीठी आम की धरती, मेरा वो इलाका जिसको हमेशा बजट तो उसकी पॉपुलेशन के मुताबिक दिया जाता था, लेकिन खर्च कितना होता था? 12%, 14%। यह सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो कौन था जिसने साउथ पंजाब के लोगों को यह स्पीकर? आज आप साउथ पंजाब की बात नहीं सुनेंगे, मुझे तकलीफ होगी। आप भागलपुर से आए हैं यहाँ, मैं आपकी जात पर तकलीफ नहीं करना चाहता, मुझे कौन को बताने दीजिए वो इमरान खान था जिसने साउथ पंजाब की पॉपुलेशन को उनके राइट के मुताबिक खप दिया और पहली बार आशाबाद साहब और हमने वोट दिया। साउथ पंजाब के लोग आज जो साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटरीट के जरिए 18 महीने में अपने काम करवा रहे हैं, यहां मेरे भैया ने अगर गैलरी हमने स्पीच की, न्यू लीग ने स्पीच की, ये 2008 में भी घटे थे, ये आज भी घटे हैं। मुनाफत की किताब पढ़कर बड़ा कठिन है, खजा के माथे पर दास्तान ने गुलाब लिखा। आज आए साउथ पंजाब को, आओ सब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मदीन साहब, बहुत शुक्रिया। आखिरी 30 सेकंड जी, आखिरी 30 सेकंड आपके सहकी नसीब को अपना हक दे, ये दे उनको हक, ये मुनाफत न करें, ये इकदार में बैठकर वजारत की मंदिर बात ना करें, ये पाकिस्तान के मसाइल में डाका मत डालें, ये कैसे से हमें देवे पूरी जी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आप इस तरह नारा नहीं लगा सकते, आप तशरीफ रखिए, तशरीफ नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी।